Hello, kids. How are you all? Hope you all are fit and fine at your home. So, kids, this is the time for English class. And, kids, in today's class, we will do our English work in English notebook. So, take out your notebook, your pencil, and your eraser. Hurry up, take out your notebook and open it. See, kids. सी इज दिस टेल मी मैम ने क्या बनाया है ये यस दिस इज डक दिस इज डक डी इज इज फॉर फॉर डक डक डी सो वॉट विले आज हम क्या करेंगे टूडे वी विल राइट अल्फाबेट ए टू एल आज हम क्या करेंगे अल्फाबेट्स ए टू एल को लिखेंगे ओके एंड किड्स अभी मेरे तक मैम आपको फुल डॉट्स पे लिखवाते थे ना अब क्या करना है आपको आज से सिंगल डॉट पे लिखना है ओके आज हाँ, हम अपना ए टू एल का वर्क किस पे करेंगे सिंगल डॉट पे सो फर्स्टली सी इन योर इंग्लिश नोटबुक देर आर फोर लाइंस ना आपकी इंग्लिश की नोटबुक में कितनी लाइंस होती है फोर लाइंस वन टू थ्री एंड फोर बट यू हैव टू राइट इन ओनली थ्री लाइंस आपको कितनी लाइंस में लिखना होता है थ्री लाइंस में सो so, किड्स आपको क्या करना है आपको वन टू थ्री ये लास्ट ब्लू लाइन तक ही अपने लेटर्स को लिखना है ओके okay? इसके बाहर आपको लेटर्स को इस लाइन के बाहर नहीं निकालना है सो लेट्स स्टार्ट आवर वर्क आवर फर्स्ट लेटर इज टेल मी हमारा फर्स्ट लेटर कौन सा होता है यस लेटर ए लेटर ए सो किड्स लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम डॉट मेक अ स्टैंडिंग लाइन डाउन एंड टच द बॉटम लाइन बॉटम लाइन कौन सी हमारी थर्ड लाइन बॉटम लाइन कौन सी हमारी थर्ड लाइन ओके नाउ अगेन गो टू द टॉप एंड मेक अ स्लेंटिंग लाइन डाउन लाइक दिस नाउ मेक अ स्लीपिंग लाइन अक्रॉस दिस इज लेटर ए दिस इज लेटर ए नाउ टेल मी वॉट कम्स आफ्टर ए ए देन यस लेटर बी So we will write letter B. B is for ball. B is for ball. Now come to the next. Read it again. A, B. Then what comes after letter B? Yes, letter C. This is letter C. आपको क्या करना है किड्स आपको यहाँ बॉटम लाइन मीन्स थर्ड लाइन से टच करके लिखना है हर्ड लेटर आपको थर्ड लाइन से टच करना है और इस लाइन के बाहर नहीं निकालना है आपको कोई भी लेटर अपना ओके नाउ किड्स अगेन वी विल रीड ए बी सी देन टेल मी टेल मी यस वेरी गुड लेटर डी सो वी विल राइट लेटर डी इज फॉर

नो no, आपको नहीं पता देन वी विल रीड अगेन हम क्या करेंगे हम रीड करते हुए आएंगे तो हमें पता चल जाएगा ना ए बी सी डी ई एंड यस वेरी गुड एफ एफ इज फॉर फिश एफ इज फॉर फिश नाउ टेल मी व्हाट इज द नेक्स्ट लेटर यस लेटर G, letter G. This is letter G. G is for grapes. G is for grapes. Now come to the next. What is the next letter? Again we will write. Read. E, F, G. Then, yes, letter H. Letter H this is letter h H is for hen H is for hen now come to the next line Yes tell me which is the next letter H ke baad kya Read again A, B, C, B, e, F, G, h. H ke after. This is letter I. I is for ice cream. I is for ice cream. Now come to the next letter. I ke bar? Yes, letter J. J is for jug. J is for jug. And tell me what is the next letter? Yes, letter K. Letter K. K is for? Kite. K is for kite. Now come to the next one. After K. Which letter comes? Consolate? Yes, letter L. Letter L. L is for lion. L is for lion. So Kate, this is our alphabets A to L. आपको क्या करना है लेटर्स ए टू एल तक लिखना है ओके सो किड्स थ्रू दिस वर्क इन योर नोटबुक्स आई विल बी बैक आफ्टर सम टाइम बाय बाय किड्स टेक केयर